हेलो गाइस, चलो आज हम लोग जानने वाले हैं गूगल डॉक्स के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, गूगल डॉक्स एक फ्री वेब एप्लीकेशन है जिसमें डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन बनाया जा सकता है। जिस तरह हम लोग एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके सेव कर सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम हम लोग गूगल डॉक्स में भी कर सकते हैं। गूगल डॉक्स का बेस्ट पार्ट ये है कि ये गूगल ड्राइव में सेव रहता है। इसे हम कहीं भी कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर्स पे ओपन कर सकते हैं और सेम टाइम पे एडिट भी कर सकते हैं। सेकंड बेस्ट पार्ट ये है कि ये ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव में सेव हो जाता है, मतलब हम जैसे जैसे काम करेंगे ये ऑटो सेव होता जाता है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि गूगल डॉक्स का यूज़ करने के लिए आपके पास जीमेल अकाउंट और इंटरनेट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गूगल डॉक्स डाउनलोड कहाँ से करेंगे, इसे एडिट कैसे करेंगे, उसमें चेंजेस कैसे करेंगे, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखना। एक चीज़ और, मोस्ट ऑफ जो आज के नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसमें क्या है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी उसमें डाउनलोड होता है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल डॉक्स टाइप करना है। गूगल डॉक्स है, आपको सर्च पे क्लिक करोगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन यही आएगा, आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद क्या है, देख लेते हैं हम लोग। पहले कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिंपली उसे हम स्लाइड कर देंगे। स्लाइड करने के बाद लास्ट ऑप्शन यस, ये डन पे क्लिक कर देंगे। जैसे एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, ये गूगल का ही ऐप्स है, सिंपली ये गूगल ड्राइव में सेव होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये मेरे कुछ प्रीवियस फाइल्स वगैरह जो ऑलरेडी सेव है यहाँ पे, हम चाहे तो इसे एडिट कर सकते हैं, बट अभी एग्जैक्टली हमें क्या करना है वो देखते हैं। ये प्लस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, चूज टेम्पलेट्स और न्यू डॉक्यूमेंट्स। तो चलो पहले हम लोग टेम्पलेट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बाई डिफ़ॉल्ट बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, लाइक रिज्यूमे हो गया, आपको लेटर्स हो गया, एजुकेशन, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, बट फिलहाल हम इसे इग्नोर करते हैं। सो, अभी क्या करना है, फ्रेश डॉक्यूमेंट के लिए हमें इसे फिर से प्लस पे क्लिक करना है। हम न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ये कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। मोस्ट ऑफ मुझे लगता है ये इसके जो टूल्स वगैरह या जो ऑप्शन वगैरह वो एमएस वर्ड की तरह ही है, जैसे अंडू रेडू ऑप्शन हो गया। ये ए प्लस पे क्लिक करके देखते हैं क्या ये ओके। सो यहाँ पे हम स्टाइल, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग या थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। प्लस पे देखते हैं क्या है। सो, मैंने प्लस पे क्लिक किया ओके। सो, यहाँ पे हम लिंक, इमेजेस, टेबल्स या मोस्टली कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं थ्री डॉट लाइंस पे। सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके। सो, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस वगैरह है, फाइंड एंड रिप्लेस डॉक्यूमेंट ऑन आउटलाइन ओके, स्पेल चेक, पेज सेटअप, वर्ड काउंट्स वगैरह कर सकते हैं, शेयर एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो, चलिए फिलहाल हम काम करते हैं, अपने कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ लाइक गूगल डॉक इज अ वेब एप्लीकेशंस ओके एप्लीकेशंस ओके। अब हम थोड़ा सा चेक करते हैं, लाइक सपोज मैंने गूगल डॉक इज अ वेब एप्लीकेशन मैंने टाइप कर लिया, राइट। अब मुझे डॉक्स का कलर चेंज करना है, उसे कैसे करेंगे, दो ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा। पहला देख लेते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, डॉक्स पे आपको होल्ड करना है। होल्ड के साथ आपको कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, आप चाहो तो इसमें आप थोड़ा सा वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो इसे मूव करके, सिंपली जैसे मैंने गूगल डॉक ऐड कर लिया, राइट। अब यहाँ पे ए ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है, मुझे जो कलर चाहिए, मैं जैसे ये मैं रेड लेता हूँ। रेड लेने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीन पर सिंपल एक टच करना है और वो चेंज हो जाएगा, राइट। एक बार और टच करना तो आपका ये जो ऑप्शन था वो चला जाएगा ओके। सो, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या होता है, ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर मैं आपको नेक्स्ट एक ईजी ऑप्शन बताता हूँ। एक चीज़ और, सपोज सेम जैसे हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किया है, वैसे हम चाहे तो एप्लीकेशन को अगर हमें हाईलाइट करना है, जैसे मुझे एप्लीकेशन जो वर्ड है उसे हाईलाइट करना है, ए के जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसे हम क्लिक करेंगे और सिंपली हम यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। और सेम प्रोसेस है, आपको स्क्रीन पर टच करना है और वो आपका चेंज हो जाएगा। बट इसमें थोड़ा सा मोस्टली थोड़ा सा दिक्कत होता है, उस पर होल्ड करो, क्लिक करो और फिर चेंजेस वगैरह करो, राइट। सो, आप एक काम कर सकते हो, लाइक सिंपल मैं काम करता हूँ, मैं बस एक गूगल ड्राइव लिख रहा हूँ, राइट, गूगल डॉक्स ओके।
सो देखो ये मैंने ब्लैक में कर दिया राइट। अब मुझे सिंपल क्या करना है, इंटरप्रेस करना है। अब मुझे चाहिए कि मुझे अब जो नेक्स्ट टेक्स्ट हो वो रेड कलर में हो या कोई डिफरेंट कलर में हो। तो आप एक काम करना, सिंपल पहले से ही आप इस पर क्लिक करना है, आप रेड कलर सेलेक्ट कर लो, स्क्रीन पे क्लिक करना है एंड सिंपल आपको कुछ भी टाइप कर देना है जो आपको करना है। जैसे मैंने कर लिया, इंटरप्रेस करो ठीक है। वैसे ही आप अगर चाहो तो कोई और वर्ड हाईलाइट करना है, वैसे हम ये ऑप्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं। ओके सो यहाँ पे हम लोग इसे हम टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है ये क्या है हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके यहाँ पे हम चाहे तो डॉट लगा सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं, थोड़ा स्पेस हम राइट लेफ्ट कर सकते हैं, लाइक ये ऑप्शन तो नहीं बट ये ओके। सो ये चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ से। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको टाइप करना है कर लिया, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये ऑटो सेव होता है, तो मुझे कुछ नहीं करना, बस आपको ये वाला टिक ऑप्शन पे क्लिक करना है, बैक पे ऐसे क्लिक कर देना, ये सिंपली मेरा गूगल ड्राइव में सेव हो गया राइट। ये अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट के नाम से है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे रीनेम कैसे कर सकते हैं जिससे मुझे याद रहे कि मैंने किस नाम से सेव किया हुआ राइट। आपको ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड थोड़ा सा स्लाइड करेंगे हम लोग। स्लाइड करने के साथ क्या करना है, आपको रीनेम में क्लिक करना है, और रीनेम में जाने के बाद मैं इसे गूगल डॉक के नाम से सेव कर देता हूँ। गूगल डॉक्स लिख लिया मैंने और मैंने रीनेम कर लिया। चलिए थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं कि हम इसे शेयर कैसे करेंगे। सिंपली हमने रीनेम कर लिया, थ्री डॉट पे फिर से क्लिक करना, शेयर पे क्लिक करना है। शेयर करने के बाद मैंने मोस्टली एक ऑप्शन आएगा अलाउ का, आप उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे जिसके साथ आपको शेयर करना है, लाइक आप उसकी ईमेल आईडी टाइप करो, जिसके साथ शेयर करना है उसका जीमेल आईडी आप यहाँ पे टाइप कर देना जैसे मेरे पास है। करने के बाद आपको कॉमा देना है या फिर आप थोड़ा इंटरप्रेस करना है, और ऐसे आप जितनी भी चाहो यहाँ पे ईमेल करने के बाद आपको इस सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।